नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और आप देख रहे हैं 5G एंथनी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज़ बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या करना है आपको। तो बेसिकली हम अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं तो वो 24 घंटे के लिए ही विजिबल रहता है, उसके बाद वो स्टोरी गायब हो जाता है। तो सिंपली हम उसे फिर से अगर उसको ऐड करना चाहते हैं तो हम स्टोरी हाईलाइट के थ्रू उसको ऐड करते हैं। तो स्टोरी अगर हाईलाइट के थ्रू ऐड करते हैं तो नॉर्मली स्टोरी हाईलाइट में कुछ नाम वगैरह लिख के उसको सेव कर देते हैं और स्टोरी हाईलाइट में लिख देते हैं, तो कुछ ऐसा आता है। देखिए मेरे स्क्रीन पे कुछ ऐसा स्टोरी हाईलाइट दिखता है। तो मैं बताऊंगा कि आज के इस वीडियो में कि आप इस स्टोरी के हाईलाइट को इसका कवर पिक कैसे लगा सकते हैं आइकन के साथ, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, आपके प्रोफाइल में अच्छा लगेगा। देखिए ये मेरा नॉर्मल प्रोफाइल हो गया और ये मेरा जो मैंने कर लिया है कवर फोटो लगा लिया, उसके बाद देखिए दोनों में अंतर। ये मेरा जो नॉर्मल वाला है वो कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन जो मैंने कवर लगा के बनाया हुआ है वो देखिए काफ़ी कमाल का लग रहा है, जिससे मेरा प्रोफाइल काफ़ी खिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको ये करना है, आप नॉर्मल प्रोफाइल स्टोरी हाईलाइट को कैसे आप आइकन स्टाइलिश स्टोरी हाईलाइट में सेव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे, उसके बाद सिंपली से हमको कैनवा लिख के सर्च कर देना है। जब ये आ जाएगा इसको हम सिंपली से इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा इंस्टॉल हो चुका है तो मेरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है, हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले यहाँ पे प्लस का जो आइकन दिख रहा है, साइन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमको राइट स्लाइड करना है और इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाके प्लस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ब्लैंक व्हाइट का सीट आ रहा है व्हाइट कलर का, इसको सिंपली से हम टैप करके सेलेक्ट कर लेंगे। जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे सामने, उसके बाद हमको प्लस में क्लिक कर लेना है और इलस्ट्रेशन में जाना है। इलस्ट्रेशन में जाके हमको शेप, यहाँ पे शेप दिख रहा है, इस शेप को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे तरह तरह के शेप आ रहे हैं, हमको जो राउंड शेप है, जो गोलाकार शेप है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमको क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रांड कलर्स दिख रहे हैं, उसमें क्लिक करके हमको कलर चूज कर लेना है। इसके लिए मेरा प्रोफाइल का जो कलर दिख रहा है, जिस टाइप का प्रोफाइल है उसके अनुसार थोड़ा कलर हम सेट करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरा प्रोफाइल अगर ग्रीन टाइप का दिख रहा है तो हम थोड़ा ग्रीन सेट करेंगे, अगर रेड दिख रहा है तो रेड सेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो हम सिंपली से कोई एक कलर चूज कर लेते हैं, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे क्या करना है। तो हमने ये कलर सेट चूज कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको सिंपली से इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, अगर बड़ा छोटा करना है तो एडजस्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा, कि बड़ा या छोटा जैसा हमको करना है। उसके बाद हम प्लस में क्लिक करेंगे और हम सिंपली से जाएंगे स्टिकर पे। स्टिकर पे जाके हमको जिस चीज़ का सेलेक्ट करना है, मान लीजिए हम नेचर के फोटो का हाईलाइट सेट करना चाहते हैं तो नेचर लिखेंगे, ट्रेवल का सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रेवल लिखेंगे, फूड का सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फूड लिखेंगे, तो उसका आ जाएगा एक स्टिकर टाइप का आ जाएगा। जैसे मैंने नेचर सेलेक्ट किया, उसका स्टिकर आ गया। देखिए बहुत सारा स्टिकर आ रहा है, हम इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारा आ रहा है जो हमको पसंद आए, जो हमको अच्छा लगे उसको, एक को सेलेक्ट कर लेंगे, हम इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब सेलेक्ट कर लेंगे तो सिंपली से वो मेरा गोल आ रहा है उसमें आ जाएगा, तो हम इसको क्रॉप करके एडजस्ट कर लेंगे, हम इसके भीतर में जो इसका साइज है इसी के भीतर में एडजस्ट करेंगे ताकि मेरा वो ठीक से बैठ जाए और मेरा एडजस्ट हो जाए। हम इसको क्रॉप करके एडजस्ट कर लिए और इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली से कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। उसके बाद हम इसको ऊपर में राइट में डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। तो जैसे उसमें क्लिक करेंगे मेकिंग द मैजिक हैपन लिखा हुआ आ रहा है, ये सेव हो जाएगा। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी मार के रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट मार लेंगे तो उससे भी ईजी होगा, अगर सेव नहीं हुआ होगा तो। ऐसे तो सेव हो जाता है लेकिन स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो ये भी एक दूसरा तरीका है जिससे कि सेव हो जाएगा। देखिए ये मेरा सेव हो गया। अब मैं आपको और एक करके दिखाऊंगा, उसमें ये नेचर का था, उसमें किसी और चीज़ का करके दिखाऊंगा, जैसे फूड का करके दिखाऊंगा। सिंपली से हम कैनवा को ओपन कर लेते हैं, ये कैनवा ऐप आप ध्यान में रखिएगा, और प्लस में क्लिक करके चलेंगे, उसका स्लाइड करके इंस्टाग्राम के स्टोरी में चले जाते हैं। उसके बाद ब्लैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा कलर सेलेक्ट कर लेंगे। शेप में जाके पहले प्ले इलस्ट्रेशन में गए, उसके बाद हम शेप में गए। शेप में जाने के बाद हम गोलाकार एक शेप चूज कर लिए, अब इसका कलर एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ प्लस का निशान है, साइन है, इस पर क्लिक करके हम कलर एडजस्ट कर लेते हैं। जो भी कलर मेरा जो पिछला कलर था वही कलर देंगे, तो सेम सेम सब सारा एक साथ अच्छा दिखेगा।
तो सेम रहेगा तो मेरा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, प्रोफाइल देखने में खूबसूरत रहेगा। तो शायद ये मेरा ये कलर था, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम सिंपली से स्टिकर में जाएंगे और स्टिकर में से हम फूड का इस बार सिलेक्ट करते हैं। पहले नेचर का किए थे, फूड का करते हैं। फूड लिख के सिंपली से सर्च कर देते हैं। जैसे सर्च करेंगे बहुत सारा फूड लिखा हुआ स्टिकर आ रहा है, इनमें से कोई एक हमको सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर का लोड नहीं हुआ है, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे नीचे भी है, कोई एक हमको सेलेक्ट कर लेना है जो हमको अच्छा लगे। देखिए हम सिंपली से कोई एक सा देख के सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में एक कुछ ये दिख रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके अब इसको क्रॉप करके हम एडजस्ट कर लेते हैं। जब ये एडजस्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद हम सिंपली से इसको डाउनलोड से सेव कर लेंगे और एक स्क्रीनशॉट भी रख लेंगे। जो आपको मन में अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, आप सेव भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। दोनों का सेम ही काम है, कोई अंतर नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम इसको सेव भी कर लिया, अब यहाँ से हम इसको एक स्क्रीनशॉट भी कर लेते हैं। देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, कुछ आ गया। देखिए अब इसका हम स्क्रीनशॉट रख लिया। अब सिंपली से हम अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जाएंगे। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में गए, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोफाइल में चले जाते हैं पहले। उसके बाद वहाँ पे देखिए मेरा अभी कोई स्टोरी सिलेक्टेड नहीं है, हमको यहाँ प्लस न्यू लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करके हम सेलेक्ट कर देते हैं। प्लस न्यू में करके सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या करना है हमको। देखिए प्लस न्यू में हम क्लिक करते हैं, उसके बाद मेरा ये सारा हाईलाइट आ गया, हमको यहाँ पे बोल रहा है न्यू हाईलाइट आप सेलेक्ट कीजिए। तो हम नेचर और फूड दो चीज़ का सेलेक्ट किए हुए हैं, तो हम उसी चीज़ का करते हैं तो ज़्यादा बेटर लगेगा। सिंपली से अब आ गया और हम पहले फूड का चूज कर लेते हैं। उसके बाद फूड का जो जो है उसको हम चूज कर लेते हैं। जितना पिक है मेरा एक सेलेक्ट हुआ, उसके बाद और एक सेलेक्ट करते हैं हम, और यहाँ पे और एक है, इसको सेलेक्ट कर लिए। सिंपली से हम नेक्स्ट कर लेते हैं। जब ये नेक्स्ट कर लेंगे तो कुछ यहाँ पे हाइलाइट्स, यहाँ पे नाम लिखने का है। सिंपली से आपको जो नाम लिखना है, हम फूड लिख दिए। इसके बाद एडिट कवर में जैसे क्लिक किए तो ये दो फोटो सेलेक्ट करने के लिए आ गया। हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिंपली से गैलरी में क्लिक करेंगे और गैलरी में चले जाएंगे। जैसे हम अपने गैलरी में जाएंगे, वहाँ पे मेरा जो आइकन हम बना के रखे हैं, तैयार करके रखे हुए हैं, उसको हम सिंपली से सेलेक्ट कर लेंगे। जब सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसको हम क्रॉप करके एडजस्ट करके सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए डन का ऑप्शन आया, उसमें क्लिक कर दिया हमने, डन आ गया। उसके बाद और एक डन का ऑप्शन आया, हमने डन कर दिया। देखिए कुछ जब ये सेलेक्ट हो गया तो कुछ ऐसा आ गया। उसके बाद हम और एक को सेलेक्ट करते हैं। देखिए हम और एक फूड का, उसके बाद और एक नेचर का था, तो हम एक नेचर का सेलेक्ट करते हैं। कोई भी पिक नेचर के लिए सेलेक्ट करते हैं, ये एक सेलेक्ट किए और ये एक और सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम सिंपली से इसको नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नेचर लिख देते हैं। उसके बाद एडिट कवर में जाके हम एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये दोनों तो सिंपल से जो इसका था वो है, अब हमको ये नहीं करना है, हमको गैलरी में चले जाना है। उसके बाद हमको वहाँ से एक जो हम आइकन बना के रखे हुए हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसको थोड़ा क्रॉप करके एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद डन कर देंगे, और एक बार डन करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर हमको और एक बार डन कर देना है। देखिए अब मेरा प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखने लगा, देखिए लग रहा है ना ये अब कमाल का। पहले मेरा एक नॉर्मल सा लग रहा था, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए इसी तरह अगर हम बहुत सारा सेलेक्ट कर लेंगे, एक प्रोफाइल दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ये प्रोफाइल, इसमें बहुत सारा आइकन सेलेक्ट कर लिया गया है, तो देखिए कितना कमाल का लग रहा है ये प्रोफाइल देखने में। ऐसे ही आप बहुत सारे आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको अपना स्टोरी के हाईलाइट के कवर पिक में लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी कमाल का लगेगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।